हेलो डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। आज आप देखें लेक्चर नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें लेक्चर नंबर 5 है। आज हम आपको पढ़ाएंगे रैखिक समीकरण निकाय का हल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्रेमर नियम से सिखाएंगे और फिर आप भी सिद्धांत से। तो सबसे पहले हमने आपसे लिखा है यदि समीकरण निकाय a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ये हमारा समीकरण निकाय है। क्या है? समीकरण निकाय पढ़ते हैं इसको। इस रूप में अगर कोई समीकरण दिया जाए तो तीन रैखिक समीकरणों तक देखा, तो मैं d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0 हो तो निकाय कैसा कहलाता है? समघाती। अन्यथा कैसा कहलाएगा? विषमघाती। अपने सिलेबस की बात करें तो मैंने यहाँ पर स्टार बना दिया है, तो अपने सिलेबस की बात करेंगे तो इस अध्याय में विषमघाती, कौन से विषमघाती अर्थात जो जीरो के बराबर ना हो का अध्ययन करेंगे। हमारी सबसे पहली बात यह है कि समीकरण निकाय में ये जो d1 d2 d3 के मान है सभी शून्य ना हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं शून्य ना हो तो अर्थात ऐसे समीकरण विषमघातीय समीकरण कहलाते हैं और इन्हीं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल। तो जो ये नियम है उसको हम क्रेमर नियम कहते हैं, या हम कहते हैं सारणिकों की सहायता से। किसकी? सारणिकों की सहायता से, या इसी को हम कहेंगे क्रेमर नियम। ठीक है, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, इसी का नाम होता है, कभी कभी हिंदी में ये लिख के दे देता है, कभी कभी सीधा कह देता है क्रेमर नियम से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ रैखिक समीकरण निकाय जो है वो a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2, अर्थात ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं के हल क्रेमर नियम से। तो x is equal to, मैं आपको बता दूँ, डेल 1 अपॉन डेल, और y is equal to डेल 2 अपॉन डेल टू अपॉन डेल टू अपॉन डेल, जहां डेल इक्वल टू ए बी, शॉर्टकट में ए बी पढ़ेंगे याद रखने के लिए, लिखेंगे क्या, क्योंकि यहां ए वन बी वन ए टू बी टू, और डेल वन इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, सी बी, सी वन बी वन सी टू बी टू, ये याद होने चाहिए। एक तरीके से फॉर्मूले हैं, क्या है फॉर्मूले, क्रेमर नियम से डेल डेल वन डेल टू ये फाइंड करने के, और रैखिक तीन चरों वाले में क्या हो जाएगा, डेल थ्री और आ जाएगा बस। तो यहाँ पे डेल वन क्या होगा, सी बी, सी वन बी वन सी टू बी टू, और डेल टू क्या होगा, ए सी, ए वन सी वन ए टू सी टू। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा सर कि ये हम इनका रैखिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, पहले तो हमें ये पूछा जाता है निकाय का हल कैसा है, मतलब संभव है, अनंत है, या कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, जैसा भी हो वो पहले पूछने के लिए कुछ विशेष शर्तें हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि रैखिक तीन चरों वाले रैखिक समीकरण में जो कहा गया वही आप याद रखें, डेल डज नॉट इक्वल जीरो, अगर डेल डज नॉट इक्वल जीरो है तो इस मतलब ये निकालने पर अगर डज नॉट इक्वल जीरो आ जाए तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। लेकिन चलो ये टेंथ वाली चीज़ है, थोड़ी सी मैंने यहाँ लिख दी, क्या यदि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू को हो तो निकाय का हो तो निकाय का हल अद्वितीय है, तथा निकाय कैसा होगा, संगत होगा एवं स्वतंत्र होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, कंसिस्टेंट होगा एवं कैसा होगा, बिल्कुल फ्री होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दूसरा पॉइंट होता है यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो निकाय का हल जो होगा वो कैसा होगा, संभव नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन होगा, और निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। ये बातें बहुत जरूरी है, संगत होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा कि कंसिस्टेंट होगा। तीसरा है यदि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, निकाय के टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा जब ये तीनों इक्वल होते थे तो हम इसी तरह अनंत हल होंगे, निकाय संगत होगा परंतु स्वतंत्र नहीं होंगे, क्योंकि ये अनंत हल होंगे, पता नहीं कौन किसके बारे में आ जाए तो कोई पता नहीं। तो अब हम आपको इसी से संबंधित एक सवाल लिखा है, उस सवाल की थ्योरी पढ़ के बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 109।
ठीक है, पेज नंबर 109। अभी मैंने इसलिए एग्जांपल लिया साथ के साथ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्न समीकरण निकाय कैसे हैं, कैसे हैं क्या मतलब संगत हैं कि नहीं, अद्वितीय हल है कि नहीं, संभव है या नहीं है, या कोई हल नहीं, क्रेमर अगर संभव हो तो क्रेमर नियम से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, इसकी तुलना करा लें, ए वन एक्स बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन तथा ए टू एक्स बी टू वाई बराबर सी टू से, ठीक है, समीकरण निकाय से तुलना, से तुलना, तुलना कर लेंगे तो ए वन बराबर दो, ए टू ए वन बी वन बराबर माइनस थ्री, सी वन बराबर थ्री, ए टू बराबर दो, बी टू बराबर तीन और सी टू बराबर नौ। तो जहां अब हम फाइंड करेंगे डेल, और डेल क्या होता है, ए बी, ए वन बी वन ए टू बी टू। अब संभव तो यहां से पता लगेगा, तो जैसे ही हमने रखा दो दो और माइनस थ्री और थ्री, ठीक है, दो तीन छः और प्लस छः कितना आ गया बारह, डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात निकाय संगत है एवं स्वतंत्र है या नहीं है, अर्थात यहीं से प्रूफ हो गया, अर्थात निकाय संगत है एवं, निकाय संगत है एवं स्वतंत्र है, मतलब कंसिस्टेंट है, इसलिए डेल वन, डेल वन इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी, सी वन बी वन सी टू बी टू। चलिए डेल वन निकाल लो, तो डेल वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी बी में थ्री नाइन और थ्री नाइन माइनस थ्री और थ्री, थ्री थ्री या नाइन, नौतिया सत्ताईस, सत्ताईस और नौ छत्तीस, कितना आ गया छत्तीस, ये छत्तीस आ गया। अब निकालेंगे डेल टू, डेल टू क्या हो गया ए सी, ए वन सी वन ए टू सी टू, ठीक है, तो ए वन सी वन ए टू सी टू, ए वन ए टू क्या हो गया दो दो और सी वन सी टू क्या हो गया तीन और नौ, नौ दूनी अठारह और तीन दूनी छः, कितना आ गया बारह। आप देखें ध्यान से, अब आपको कुछ खास काम नहीं करना है, बस इधर थोड़ा सा देखें ध्यान से, इधर देखें थोड़ा सा, है ना, इधर देखो भैया, इधर देखो, इधर देखो x, इसलिए x बराबर क्या होता है डेल वन अपॉन डेल, तो डेल वन, डेल वन का मान कितना आया छत्तीस, छत्तीस बटे बारह, तो x बराबर कितना आ गया तीन, और y बराबर क्या होता है डेल टू अपॉन डेल, तो डेल टू कितना आया बारह बटे बारह, कितना आ गया एक। तो यहाँ से मान भी आपके आ गए y बराबर एक, तो जैसे ही हल हुआ तो x बराबर तीन, यहाँ रख के देखो तीन दूना छः, तीन एकम तीन, छः में से तीन गई तीन, बिल्कुल राइट है। तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय जो है वो संगत है, संगत के साथ साथ वो कैसा है एवं स्वतंत्र। उसने यही पूछा निकाय का हल कैसा है, निकाय का हल कैसा है, संगत है एवं स्वतंत्र है। ये बातें आपको वहाँ लिखनी पड़ेंगी। यदि ऐसा सवाल, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है, तीन नंबर में बहुत छोटा सवाल आ जाता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और बता दूँ, जहाँ पे ऐसा कहेगा कि ऑलरेडी निकाय संगत है, जहाँ कहेगा हल हैं अद्वितीय हल हैं, तो क्रेमर नियम से, तो हमें ये जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात लिखो मत लिखो कहीं कोई दिक्कत, जब वो खुद ही कह रहा है हल हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब पूछे निकाय कैसे हैं तो हम ऐसे जांच करके हल करेंगे। दैट क्लियर, नोट डाउन कर लें। हाँ जी भाई, एक सवाल इसी का पार्ट और है, इसमें देखो शायद असंगत आ जाए, जहां या यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां यहां हियर, तो यहां पे क्या करेंगे डेल ज्ञात करेंगे, तो डेल ज्ञात करेंगे तो डेल क्या हो जाएगा ए वन बी वन ए टू बी टू, ठीक है, तो a1 b1 a2 b2, तो a1 a1 क्या हो गया 1 2 2 4, यही हो गया ना, तो 4 माइनस 4 बराबर 0, अर्थात अर्थात स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, वैसे भी देख लो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, उससे भी स्पष्ट है, तो स्पष्ट है कि निकाय असंगत है, निकाय कैसा हो गया असंगत है, अर्थात इसके अनंत हल होंगे, निकाय अनंत हल होंगे, असंगत नहीं होगा, ठीक है,
ये आपका हो गया असंगत होंगे और निकाय अनंत हल होंगे। इसका मतलब डेल वन निकालो, डेल वन क्या आता है, डेल वन आएगा सी वन बी वन सी टू बी टू। तो यहाँ से सी वन क्या आया, पाँच दस दो चार, चार पंचे बीस माइनस बीस, ये भी जीरो आ गया। और डेल टू भी क्या आ गया, ए सी ए वन सी वन ए टू सी टू। तो ए वन हो गया आपका एक दो दो चार, चार माइनस चार सॉरी पाँच और दस, दस माइनस दस बराबर जीरो, ठीक है ना। निकाय असंगत है अर्थात इसके अनंत हल होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये असंगत हल का था और वो संगत हल का था, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब हम आगे चलेंगे। हाँ बच्चों, देखेंगे एक और टॉपिक, शानदार टॉपिक क्रेमर नियम का, जिसमें आपको तीन रैखिक समीकरण इस प्रकार दिए गए हैं, तीन चरों वाले, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी टू, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री के हल क्रेमर नियम से। क्रेमर एक नियम है, क्रेमर ने लिखा था गणितज्ञ ने, इसलिए उसको क्रेमर नियम कहा गया है, ठीक है ना। क्रेमर नियम का मतलब होता है सारणिकों की सहायता से, ये ध्यान रखेंगे, सारणिकों की पीछे भी लिखा था मैंने सहायता से ये क्या है, सारणिक है, ये सारणिक, ये सारणिक, सब सारणिक हैं। तो x इक्वल टू वही होता है डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल और z इक्वल टू डेल थ्री अपॉन डेल। अभी बात समझ में, ये हमारा क्रेमर नियम है। अब यहाँ पे जहाँ डेल इक्वल टू ए बी सी, शॉर्टकट में पढ़ोगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी सी, क्या पढ़ेंगे, ए बी सी, लेकिन लिखेंगे क्या, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ए बी सी। डेल इक्वल टू क्या है, ए बी सी, दोनों में अलग अलग है, दो वाले में अलग है, इसमें अलग है। डेल वन क्या होगा, डी बी सी, डी वन बी वन सी वन डी टू बी टू सी टू डी थ्री बी थ्री सी थ्री, ये ध्यान रखना पड़ेगा। डेल टू क्या है, डी बी सी, डी वन बी वन सी वन डी टू बी टू सी टू डी थ्री बी थ्री सी थ्री, इनसे तुलना करा के मान रखना है। डेल टू, डेल टू क्या है, ए डी सी, ए वन डी वन सी वन ए टू डी टू सी टू ए थ्री डी थ्री सी थ्री, ठीक है, ए डी सी, ए डी सी। और डेल थ्री क्या है, ए बी डी, ए वन बी वन डी वन ए टू बी टू डी टू ए थ्री बी थ्री डी थ्री। तो आपको ध्यान रखना है, डेल क्या होता है, ए बी सी, डेल वन क्या होता है, डी बी सी, डेल टू क्या होता है, ए डी सी, ए डी सी, और डेल थ्री क्या होता है, ए बी डी, ए बी डी। और वहाँ पर क्या होता है, ए बी सी बी और ए सी, डेल क्या होता है, ए बी, दो बाई दो वाले में, है ना। और डेल वन क्या होता है, सी बी, और डेल टू क्या होता है, ए सी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब हमें ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको याद है, तीन नंबर खड़ाघट मिल जाएंगे। जैसा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये समीकरण निकाय दिया गया है और उसने पूछा असंगत है, सिद्ध कीजिए, असंगत भी है, इसका मतलब डेल डेल बराबर जीरो आना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे डेल, तो डेल इक्वल टू यही लिखेंगे, ए वन B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आ गया, ठीक है भैया। तो इसके आगे वैल्यू रख लो, तो A1 B1 C1 एक एक एक, एक दो तीन, दो तीन चार, ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये D1 D2 D3 है, तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका प्रसरण कर लो, प्रसरण करते चलें, तो वन ये आ गया, ये चार दूनी आठ, आठ माइनस नौ माइनस वन, ये आया चार माइनस छः, और प्लस वन ये आया तीन माइनस चार, तीन माइनस चार ये आ गया, आठ में से नौ गई माइनस वन, चार में से गई प्लस दो और माइनस वन, क्या बन गया, जीरो बन गया। तो ये पहला आंसर आ गया आपका। अब निकालेंगे डेल वन, निकाल दे रहा हूँ, वैसे तो क्या है, डेल वन क्या होगा, डी वी सी, डी वन वी वन सी वन डी टू वी टू सी टू और डी थ्री बी थ्री और सी थ्री, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ रख लो, डी क्या है, दो पाँच और ग्यारह, दो पाँच और ग्यारह, बी क्या है, एक दो और तीन, और सी वन सी टू क्या है, एक तीन और चार, ठीक है, फिर से ले लो, दो ये गया, ये गया, चार दूनी आठ, आठ माइनस नौ माइनस एक, ये गया, ये और ये, पाँचों के बीस, ग्यारह तिया तैतीस,
और प्लस वन, प्लस वन आया तो क्या आएगा भैया, देखो ध्यान से, ये और ये पाँच दिया पंद्रह, देखो भैया देखो ध्यान से देखो, ये गया पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह ग्यारह दूना बाईस, देखो भैया। हाँ यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ये आ गया माइनस वन माइनस टू, ये आ गया माइनस के तेरह, माइनस के तेरह प्लस के तेरह, और ये हो जाएगा पंद्रह माइनस सात, ये माइनस सात, तो ये कितना आ गया, सात और दो नौ, चार आ गया, कितना आ गया चार, चार डज नॉट इक्वल जीरो, चार डज नॉट इक्वल जीरो, बिल्कुल सही आ रहा है, चार डज नॉट इक्वल जीरो। अब नेक्स्ट डेल टू निकालना सब पड़ेगा, डेल टू, तो डेल टू जब निकालेंगे तो डेल टू क्या होगा, ए वन डी वन सी वन, ए टू डी टू सी टू, ए थ्री डी थ्री और सी थ्री, तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वन डी वन सी वन में क्या हो जाएगा, एक एक और दो, एक एक दो, और डी वन में क्या हो जाएगा, दो पाँच और ग्यारह, और सी वन में क्या हो जाएगा, एक तीन और चार। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो पाँचों के बीस, बीस माइनस तैंतीस माइनस वन, ये आया चार एकम चार और तीन दूनी छः, प्लस वन, प्लस वन ये आया ग्यारह एकम ग्यारह माइनस पाँच दूनी दस, ये कितना हो गया माइनस तीन, ये कितना हो गया माइनस दो प्लस दो, और ग्यारह में से एक गई प्लस एक, तो तीन ये जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है डेल टू, बीस माइनस तैतीस, तेईस कैसे आया, देखें यहाँ पे बीस माइनस तैतीस, ये माइनस दो था, यहाँ पे माइनस दो आ रही है, तो माइनस दो दूना चार प्लस हो जाएगा, तो माइनस आठ डज नॉट इक्वल यू। डेल थ्री, डेल थ्री क्या आएगा, ए ए वन बी वन डी वन, ए टू बी टू डी टू और ए थ्री बी थ्री डी थ्री। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होती है भैया, ये ध्यान रखें, अभी इससे भी तगड़ी कैलकुलेशन आएगी तीन नंबर में, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है सवाल कैसा दिया जाए, दो वाला दिया जा रहा तीन वाला, तो ए वन बी वन सी वन क्या हो गया, एक एक दो, बी वन क्या हो गया, ये बी वन हो जाएगा आपका एक दो तीन, ठीक है एक दो तीन, और डी वन हो जाएगा दो पाँच और ग्यारह, चलिए इसको भी कर लेते हैं, एक ग्यारह दूना बाईस और पाँच दिया पंद्रह माइनस के एक, ये और ये ग्यारह एकम ग्यारह माइनस के दस, और एक ये हो जाएगा प्लस दो, प्लस दो तो तीन एकम तीन और माइनस चार, तो ये आ जाएगा सात बाईस, पंद्रह सात बाईस माइनस ग्यारह में से दस गई एक, और तीन में से चार गई माइनस एक माइनस दो, सात में से तीन गई चार, चार डज नॉट इक्वल जीरो। अर्थात इससे स्पष्ट होता है, इसलिए डेल डज डेल बराबर जीरो तथा डेल वन डज नॉट इक्वल जीरो, डेल टू डज नॉट इक्वल जीरो और डेल थ्री डज नॉट इक्वल जीरो, ठीक है ना। समीकरण निकाय कैसा है, असंगत है समीकरण निकाय, अभी भाषा लिखेंगे पीछे, निकाय कैसा है, असंगत है या असंगत होगा, तथा हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। अगर ऐसा आता है तो हम इस लाइन को प्रॉपर रूप, देखो ये चीज़ जो लिखी है ये सब में काम आने वाली है, इसलिए आंसर तो लास्ट लाइन में लिखते हैं, तो डेल बराबर जीरो, जब अगर डेल बराबर जीरो है, अगर डेल डज नॉट इक्वल जीरो होता तो इसका अद्वितीय हल होता। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, इसके आगे एग्जाम्पल बारह और है, तो एग्जाम्पल बारे में केवल सीधा कह दिया समीकरण निकाय क्रेमर नियम से हल कीजिए, क्योंकि वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा पेज नंबर आपको पढ़ना होगा, इसकी विशेष स्थिति, इसकी विशेष स्थिति मैं बता दे रहा हूँ, पेज नंबर वो आपको लिखनी होगी, मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप लिखेंगे, आप कहेंगे सर मैंने कहाँ से ये बात लिख दी, तो विशेष स्थिति में तीन पॉइंट होंगे, जैसे मैंने लिखे ना पेज नंबर, मैं बोल दे रहा हूँ पेज नंबर है आपका 107, कौन सा 107, पहली स्थिति होती है डेल डज नॉट इक्वल जीरो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, डेल डज नॉट इक्वल जीरो हो तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा और निकाय का अद्वितीय हल होगा। दूसरी कंडीशन है डेल बराबर जीरो तथा डेल वन डेल टू डेल थ्री सब शून्य हो तो समीकरण निकाय
संगत या असंगत हो सकता है, और निकाय यदि संगत है तो उसके अनंत हल हो सकते हैं। मतलब अगर डेल जीरो है, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री भी जीरो है तो निकाय संगत या असंगत हो सकता है किसी परिस्थिति में, लेकिन यदि निकाय संगत है तो निश्चित तौर पर उसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड है डेल बराबर जीरो परंतु डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई एक अशून्य हो, मतलब कोई एक अशून्य हो, यहाँ तो तीनों ही अशून्य है, कोई एक का मतलब होता है तीनों भी हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय असंगत होगा और इसके हल संभव नहीं होंगे, अर्थात ये नो सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? नो सॉल्यूशन निश्चित तौर पर। तो आपकी बात समझ में आ गई, पहला कि डेल डज नॉट इक्वल जीरो हो तो निकाय संगत होगा और इसके अद्वितीय हल होंगे, और दूसरे में डेल बराबर जीरो, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री सब शून्य हो तो निकाय संगत अथवा असंगत हो सकता है, यदि निकाय संगत है तो उसके अनंत हल होंगे, और यदि तीसरी कंडीशन है डेल बराबर जीरो और इन दोनों डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई एक अशून्य हो, कोई एक का मतलब एक हो सकता है या तीनों हो सकते हैं, तो हल असंगत, निकाय असंगत होगा, हल संभव नहीं होगा। तो ये बात आपको निश्चित तौर पर इसके यहाँ पर तीनों पॉइंट लिखने होंगे, 109 पेज पर विशेष स्थिति लिखी हुई है, ठीक है ना। मैंने आपको उदाहरण नंबर 11 बता दिया है, और आप चाहें तो 11 उदाहरण नंबर 12 भी हम समझा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं 12 भी बता देता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट, देखेंगे निम्न समीकरण निकाय का क्रेमर नियम से हल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ नहीं पूछ रहा निकाय का हल कैसा है, यहाँ तो ऑलरेडी निकाय का हल होगा तभी उसने पूछा, क्रेमर नियम से ज्ञात कीजिए, यहाँ एक्स वाई जेड के मान भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अपना नियम वही है, सबसे पहले जब भी दिया जाए क्रेमर नियम तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ डेल इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, इनके मानों को आप चाहें तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके मानों को यहाँ रख लें, जैसे ही हम रखेंगे तो ये 1 1 1 2 5 7 2 1 -1, ठीक है। इसको हम डेल इक्वल टू 1 ये और ये -k 5 -k 7 -k 1 -k 1 -k 1 -k 1 7 × 14 और +k 1 ये आया 2 -10, डेल इज इक्वल टू -k 12 ये हो गया +k 15 और -k 8, तो यहाँ हो गया 12 और 8 20 -k और +k 15, तो डेल इज इक्वल टू -k 5, ठीक है। यहाँ से आ गया जो कि डज नॉट इक्वल जीरो, अर्थात निकाय का अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय हल है निश्चित। पहली बात तो है ही, लिखने की जरूरत नहीं है। डेल वन डी वी सी, डी वन वी वन सी वन, डी टू वी टू सी टू और डी थ्री वी थ्री सी थ्री, देखो करते टाइम सब याद आ जाता है, तो जब आप करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में भी आ जाएगा। बी वन 1 5 और 1 ये ध्यान से देख लेना, सी वन 1 7 और -1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेल वन, डेल वन हो जाएगा आपका 9 9 और ये -k 5 -k 7 -k 1 ये आया -k 52 -k 0 +k 1 आएगा तो +k 1 यहाँ आएगा तो ये आ जाएगा 52 -0, ठीक है, ये आया माइनस के, हाँ बिल्कुल। डेल वन इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और 9 × 12 = 108 -k 108 माइनस, ये माइनस माइनस +52 हो जाएगा और +52 हो जाएगा तो -k 108 और +k 104 कितने बचे, -k 4, ठीक है, ये भी डज नॉट इक्वल जीरो आया। चलिए ज़रूरत ही नहीं है। डेल टू अब निकालेंगे हम, क्या डेल टू, तो डेल टू क्या होता है, ए डी, ए डी बी, ठीक है ना, ए डी बी क्या होता है, ए डी बी, ए वन डी वन डी बी सी ए डी सी, ए डी सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए डी सी, देख लेते हैं, बिल्कुल ए डी सी, ए वन डी वन सी वन, ए टू डी टू सी टू और ए थ्री डी थ्री और सी थ्री। चलिए यहाँ रख लेते हैं ए, 1 2 2
एक दो दो, और डी हो गया आपका 952 952 0, और C1 C2 हो गया 1 7 1 1 7 1, तो डेल 2 बराबर ये हो जाएगा 1, और ये गया -K52 -K0 -K9, ये -K2 -K14, ठीक है, और प्लस का 1 ये आएगा 0 -104, तो डेल 2 इक्वल टू -K52, और ये हो जाएगा -9 × कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाए 14 और 2 16, और -K104 डेल 2 इक्वल टू -K54 156, देखो 52 इसमें जुड़ गया 156, और ये हो जाएगा 16 निम्मा 144, तो 6 में से 4 गई 2, और यहाँ 15 में से 14 जाएगी 1, 12 बचा किसका, माइनस का, डेल 2 आ गया। डेल 3 क्या हो जाएगा, ए बी डी, बिल्कुल ए बी डी होना चाहिए, ए बी डी बिल्कुल सही है, तो डेल 3 हो गया A1 B1 D1, देख इसलिए ले रहा हूँ कि बाई चांस कहीं गड़बड़ हो गया पूरा सवाल चला जाएगा, A2 B2 D2, एक भी पॉइंट गलत तो आपका सवाल गलत, ठीक है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, A3 B3 D3, ठीक है, तो ABD वही हो गया, ABC DBC ADC और ABD, तो ABD का मान रख दो, तो A1 1 2 B1 B1 क्या हो गया 1 5 और 1 1 5 और 1, ठीक है, और D1 D2 क्या हो गया 9 52 और 0, चलिए डेल 3 क्या हो जाएगा 1, ये आया 5 0 -52 -1, ये आया 0 -104, और प्लस 9 ये आया 1 -10, तो डेल 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -K52 और --104, और ये हो जाएगा 9 81, तो डेल 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और 1 3 8 5 13 133 और 104, 13 में से 4 गई 9, ये कितनी होगी 13 में से 4 गई 9, यहाँ 2, ये बचा 29 कहाँ रहा, 12वां एग्जांपल है -4, ये -52 104 और -72 आना चाहिए। एक तो यहाँ देख लेना भाई, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे -2 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये -1 लेंगे ना, तो ये तो -2 -7 = 14 हो जाएगा, तो ये -16 और -20 +16 हो गए, तो -4 हो गए, एक यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना, यहाँ पर भी 2 था, तो ये 2 × 2 तो 2 -10 हो जाएगा, ठीक है, 9 8 72 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, कभी कभी क्या है ये गड़बड़ी है। अब लिखेंगे अतः क्रेमर नियम से, ये जब सब आ जाए तो क्रेमर नियम से लिखेंगे, तो x = del1/del, ये होता क्रेमर नियम, तो del1 क्या है, del1 आया अपना कितना -4 और बटे del आया -, तो 1 आ गया, और y = दूसरा ले लो y = del2/del, del2 कितना आया, del2 आया -K12 और del आया -4, कितना आ गया 3, तो x = 1 और y = 3, ठीक है। अब आया z = del3/del, तो del3 कितना आया, z = del3 आया -20, कितना आया -20/-4, ये कट गया, तो z = 5। अब देखते हैं इन वैल्यू को रख के देख लेते हैं, y = 3, तो यहाँ से देखेंगे तो x = 1 1, y = 3 1 और 3 4, और z = 5 कितने हो गए 4 और 5 9, इसलिए मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही है, मतलब xyz के मान क्रेमर नियम से बिल्कुल राइट है। थोड़ा काम ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, अगर 3x3 का आता तो लेंथी तो होता है, ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, अभी मैं इससे संबंधित सारे सवाल आपको आज समझा दूंगा, आज आपको केवल और केवल
क्रेमर नियम को ही हल करना है, बाकी किसी विधि को हल नहीं करना। एक एक विधि बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर में, एक एक टॉपिक में एक एक विधि बता रहा हूँ। कल तक मैंने जो विधि बताई थी वो त्रिभुज के क्षेत्रफल की थी, संरेख होने की थी, ठीक है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का था। तो मैंने कल आपको 6 प्रश्न दिए थे। एक्सरसाइज पे अभी मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक्सरसाइज करने को दे रहा हूँ। जब आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसा कि कल आपको बता दिया था, मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताते चलें कि ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेरी आ रही है, तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, ठीक है। अभी आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे बताऊंगा। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप देखें एक्सरसाइज 5.2, 6 तक के प्रश्न तो मैंने कल आपको बता दिए थे, अभी आप प्रश्न करते चलें। जहां प्रॉब्लम आएगी जब मैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि अभी एक टॉपिक आव्यूह सिद्धांत का और रह गया है तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका 7वां क्वेश्चन है, क्रेमर नियम से निम्न समीकरण निकायों के हल कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया, सीधे आपको डेल निकालना है। यदि डेल डज नॉट इक्वल 0 आ जाए तो आपको सीधे हल करने हैं, फिर x की वैल्यू आएगी, डेल 1 निकाल लेना, डेल 2 निकाल लेगा, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न का पहला प्रश्न ही थोड़ा गलत है, 3x माइनस वाई है, प्लस की जगह उसको माइनस कर लें तभी आंसर बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठ। इसने कहा सिद्ध कीजिए समीकरण निकाय असंगत हैं, इसका मतलब असंगत हैं तो डेल डज नॉट इक्वल 0 आ सकता है, और भी कुछ स्थितियां हो सकती हैं, तो उनको आप जो चेक करना पड़ेगा। मैंने आज दोनों सवाल आपको बता दिए, 3x3 2x2। नेक्स्ट है 9वां, क्रेमर नियम से, इसमें आपको चेक नहीं करना है, सीधे सीधे इस नियम का यहां डेल निकाल लेंगे, डेल 1 निकाल लेंगे, डेल 2 निकाल लेंगे, डेल 3 निकाल लेंगे और क्रेमर नियम का सीधा प्रयोग कर देंगे। तो आज आपको सारणिक और 10वां सवाल भी देखो हिंदी में लिखा हुआ, सारणिकों की सहायता से, यहाँ लिख लेना क्रेमर नियम, सारणिकों की सहायता का मतलब क्रेमर नियम। तो सारणिकों की सहायता से निम्न समीकरण, तो पहला सवाल तो बिल्कुल सिंपल है, दूसरा यदि आपको दिक्कत हो तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज आपको इन प्रश्नों को भी करना है, डेली का डेली आपको होमवर्क मिलता है। होमवर्क का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत तगड़ा काम दिया जा रहा, जो चीज़ कराई जाती है उसी से संबंधित 4 प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं। तो एक घंटे का काम आपका रहता है, एक घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जो भी है, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसके सापेक्ष में अभ्यास करेंगे तो आपको मैथमेटिक्स अवश्य आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी जानता हूं, करत करत अभ्यास है जड़ मत हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बिना अभ्यास के तो कुछ भी संभव ही नहीं है। गणित के अंदर यदि आपको सीखना है तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब एक रस्सी इतने पत्थर को सिल पर निशान डाल देती है, तो अगर हम अभ्यास करें तो गणित के सवाल तो क्या है, कुछ भी हो दुनिया में सब हासिल किया जा सकता है, असंभव को भी संभव किया जा सकता है, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, सबको संभव कर दिखाना हमारा कार्य है, तो हम कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, निश्चित तौर पर आपको आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।